बिहार दैनिक समाचार सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। समाचार सुपर फास्ट में देखेंगे बिहार की 10 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले कोरोना अपडेट। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,37,00,000 को किया पार, 8,13,000 से अधिक की मौत। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 31,00,000 को किया पार, वहीं मरने वालों का संख्या हुआ 57,891। बिहार में रविवार को 2,247 नए मरीज मिले, जबकि 1,00,000 से अधिक की जांच हुई है। कुल संक्रमितों की संख्या 1,23,383 है, इनमें 98,454 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में सिर्फ पटना में ही 100 से अधिक संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। सोमवार को पटना में 226 नए संक्रमितों की पहचान की गई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी सबसे पहले 42 सीटों पर दावेदारी के साथ सामने आई है। LJP की इस दावेदारी पर भारतीय जनता पार्टी व जनता दल यूनाइटेड ने सीधी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि समय आने पर सभी मुद्दों पर विचार कर लिया जाएगा। दिल्ली इलाज कराने गए राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने फिर दोहराया कि वे राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। इस पर तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह को बताई अपनी औकात और कहा, एक लोटा पानी निकल जाने से समुन्दर को कोई फर्क नहीं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना है। कांग्रेस का अध्यक्ष जो भी बने, लेकिन इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर दिख सकता है। अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद कांग्रेस को पहली बड़ी लड़ाई बिहार में ही लड़नी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन से अलग हो चुके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी कहाँ जाएंगे, इसकी घोषणा वे 30 अगस्त तक कर देंगे। मांझी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि महागठबंधन में वापसी की संभावना को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है, जबकि मांझी ने लालू परिवार पर हमला बोलकर यह साफ कर दिया है कि मांझी राजद की तरफ नहीं जाएंगे। नियोजित शिक्षकों के नई सेवा शर्त के विरोध में 5 सितंबर शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाएंगे बिहार के 4,00,000 नियोजित शिक्षक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन 3,304 पंचायतों में शैक्षिक सत्र 2020-21 से 9वीं कक्षा का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। इसके साथ ही इन विद्यालयों में निर्मित भौतिक संरचनाओं और शिक्षा विभाग द्वारा पटना में बनाए गए विभिन्न भवनों का भी वे उद्घाटन करेंगे। बिहार विधानसभा के आम चुनाव को लेकर प्रथम चरण की EVM जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए EVM और VVPAT मशीनें सभी जिलों में जून के अंतिम सप्ताह में मंगा ली गई थी। कोसी सीमांचल व पूर्वी बिहार के बाढ़ पानी में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मधेपुरा के 2, कटिहार के 2 और सहरसा मुंगेर के 1-1 लोग शामिल हैं। खगड़िया में लापता बालक की खोजबीन देर शाम तक जारी थी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बिहार भाजपा ने चुनावी संपर्क अभियान 25 अगस्त से शुरू करने का निर्णय लिया है। संपर्क अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इन कार्यक्रमों की घोषणा बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने की। बिहार में कोरोना के खिलाफ जंग में मिला PM केयर फंड ट्रस्ट का साथ। दरअसल PM केयर फंड ट्रस्ट की ओर से बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर में 500 बेड के कोविड हॉस्पिटल को फंड देने का निर्णय किया गया है। PM केयर की इस मदद से कोरोना से जंग में काफ़ी मदद मिलेगी। बिहार के करीब 80,000 प्राथमिक से लेकर +2 तक के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के लिए पहली बार आचरण संहिता लागू कर दी गई है। हाल के दिनों में शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के शिक्षकों से जुड़ी 4 संशोधित सेवा शर्त अधिसूचित और लागू की गई है। सभी में शिक्षकों के लिए 9 बिंदुओं पर आचरण संहिता का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे अक्सर चर्चा में रहते हैं। सुशांत केस में भी उनकी सक्रियता
खासी चर्चा में रही। इधर एक बार फिर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के अचानक इस्तीफा देने की अफवाह से बिहार प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर गहमा गहमी फैल गई। बिहार में मानसून की स्थिति सामान्य बनी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार को दक्षिण पश्चिम में एक दो जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई, जबकि पटना सहित राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। पटना में 11 बजे के दिन बाद मौसम में बदलाव आया और जगदेव पथ से बिहटा के इलाके में झमाझम बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में मामूली बारिश दर्ज की गई है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिली है। बिहार में कोरोना के मरीजों के लिए यह राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पटना के बिहटा स्थित ESIC अस्पताल में बनाए गए 500 बेड के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में सोमवार से इलाज शुरू हो जाएगा। यहां डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ सेना की तरफ से दिए गए हैं। ऐसा ही एक और अस्पताल मुजफ्फरपुर में जल्द ही शुरू किया जाएगा। बेखौफ अपराधियों ने रविवार को राजधानी के बेउर थाना से 100 मीटर दूर महावीर कॉलोनी मोड़ के पास स्थित प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर हमला किया था। ऑफिस में मौजूद 4 लोगों को गोली लगी थी, जिनमें से एक की मौत हो गई। सोमवार को घटना का CCTV फुटेज सामने आया। फुटेज ऑफिस के गेट पर लगे कैमरा से रिकॉर्ड हुआ है। CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। निर्वाचन आयोग अक्टूबर नवंबर में बिहार चुनाव की तैयारियां दिखा रहा है। सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड भी समय पर चुनाव चाहता है। अब भाजपा ने भी सहमति दे दी है। हालांकि राजद चुनाव टालना चाह रहा है और तैयारी भी कर रहा है। कांग्रेस पूरी तरह विरोध में है, लेकिन जिसे वोट देना है वह तो कोरोना के कारण चुनाव बहिष्कार के लिए मजबूर हैं। यह बहिष्कार वोट प्रतिशत के रूप में दिख सकता है। बेगूसराय में सोमवार को अवैध वसूली से आक्रोशित छात्र छात्राओं ने बछवाड़ा स्थित राजकीयकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारेपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री प्रकाश को बंधक बनाकर जमकर हंगामा किया। अररिया के रानीगंज अंतर्गत परमानंदपुर पंचायत वार्ड नंबर 3 करबला हटिया के समीप सोमवार को एक वृद्ध दुकानदार पर अवैध हथियार के साथ जानलेवा हमला और लूट की कोशिश की गई। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे की इस्तीफे की झूठी खबरों से सनसनी। इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की फैलाई गई थी खबर। गुप्तेश्वर पांडे ने अपने ट्विटर पर इस्तीफे का खंडन किया। सहरसा सदर प्रखंड में सोमवार को आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का सरकारी कर्मी का दर्जा की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना। खगड़िया के मौंसी प्रखंड अंतर्गत जालिम बाबू टोला में हादसे में घायल बच्ची की इलाज के दौरान मौत। मुआवजे को लेकर परिजनों ने किया सड़क जाम। तो इसी के साथ बिहार दैनिक समाचार सुपर फास्ट का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। प्रीतम कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।